कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये तो जनाब आज हम बना रहे हैं मन्नत के बयाले। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये दूध जो है वो मेरे हस्बैंड ने ले लिया है और दूध को बॉयल करने के मतलब पहले से है यहाँ पे खाना ही आ रहा है, उसके बाद उसको बॉयल करने के लिए हम रखेंगे। तो ये प्याले जो है पहले से अम्मी जो है काफ़ी टाइम से घर पर आ रही हैं अपने बच्चों के, और अब माशाल्लाह से मैं भी आ चुकी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो हम सबको प्यारे नहीं करती हैं, मेरे जितने लोगों के बच्चों के। तो यहाँ देखिए अली जो है वो दूध में चावल जला चुके हैं और यहाँ पे चम्मच चला रहे हैं इसलिए क्योंकि चावल जो है ना दूध का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो गया था तो उसमें चावल डाल दिए थे। अब बारी बारी जो है तकरीबन सभी अपना हिस्सा डाल रहे हैं और खीर में जो है चम्मच चला रहे हैं। आपको पता है खीर में चम्मच जो है वो रोक कर नहीं जा सकता। और माशाल्लाह से हम लोगों ने दोपहर के टाइम शाम के टाइम रखा था 5-6 बजे का टाइम, और ये रात के थे कि शाम का टाइम है। बच्चे जो है वो भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं और क्या नाम है देख रहे हैं कि जी खीर बन रही है और एक्साइटिंग थे बहुत ज़्यादा। तो माशाल्लाह यहाँ पे जो दूध है वो बहुत मतलब खालिस है और इसमें किसी भी किस्म की मिलावट नहीं है, पानी वगैरह कुछ नहीं डालती अम्मी, सिर्फ दूध में चावल और चीनी वगैरह जो है बस वही प्रोसीजर चलता है। और माशाल्लाह चावल जो है वो पक रहे थे और बिल्कुल मतलब आप कह रहे हैं कि क्रीमी टेक्सचर था खीर का, बहुत मज़े की बनी। और ये तकरीबन 20 सफ़र से पहले पहले अम्मी बनाती होती हैं और आज जुमेरात का दिन है और आज 19 सफ़र है। तो क्या नाम है उसका खीर की तैयारी है माशाल्लाह बहुत ही कहने के एहतमाम के साथ मतलब करते हैं हम लोग। और यहाँ माशाल्लाह चावल जो है बहुत ज़्यादा पक रहे हैं बीच में और काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो चुके थे बीच में, बस चीनी डालने का इंतज़ार था। और क्या नाम है उसका बाकी तकरीबन चावल जो है वो बिल्कुल घुलने वाले मतलब मराहल में थे। और माशाल्लाह से देखें प्याले जो हैं वो हर साल इस तरह हम बाज़ार से ला के तो उसमें भरते हैं मतलब खीर जो है भरते हैं, और जिसने मन्नत के तौर पे उठाने वो मन्नत के तौर पे उठा लेते हैं। और जनाब यहाँ पे हम लोगों ने जो है चीनी का ये जो पैकेट्स वगैरह हम लोग लेके आए थे वो डाल रहे हैं, और चीनी डाल के तो इसके मीठे का मतलब चेक करना है कि मीठा कितना रखना है। और यहाँ हम लोगों जो है ना चीनी वगैरह डाल चुके थे और अम्मी जो है वो चम्मच चला रही हैं, और क्योंकि आपको पता चम्मच जो है वो कहीं पे भी हम रोक नहीं सकते अगर चीनी डाल दिए तो। तो माशाल्लाह से खीर बहुत मज़े की बनी थी और सब ने जो है इसमें अपना हिस्सा डाला खीर बनाने में। और हर साल माशाल्लाह इसी तरह अम्मी बनाती हैं और सब बच्चों का, सब अपने बच्चों का, मेरा, मेरे बच्चों का, हम सब का बीच में हिस्सा डालती हैं। और माशाल्लाह से जनाब ये देखें खीर बिल्कुल पकने के मराहल पे है और तैयार हो चुकी थी। और इसके बाद जो है इसको प्यालों में भरते हैं, इसके वर्क और बादाम वगैरह वो अम्मी मतलब बारीक बारीक काटती हैं अम्मी, और वो जो है बिल्कुल सब कुछ तैयार रखा था, सिर्फ इसके गाढ़े होने का इंतज़ार था। माशाल्लाह काफ़ी हद तक खीर जो है वो गाढ़ी हो चुकी थी, तो आप देख रहे हैं किस तरह से बबल्स बन रहे हैं। तो ये जब तैयार हो जाएगी तो फिर इसको हम प्यालों में डालेंगे, और प्याले में डालने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद जो है उसे वर्क और बादाम जो है वो डालेंगे। ये माशाल्लाह देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और प्याले भी बिल्कुल रेडी है, और प्लेट में डाल के मैंने चेक भी कर ली कि खीर जो है वो मतलब रहेगी नहीं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें आप खीर बिल्कुल प्यालों में डाल के तो ऊपर वर्क जो है वो असिस्टेंट लोग जो है वो लगा रही हैं, अर शरीफ बीच में बैठे हैं। अच्छा, मतलब ये टाइम जो होता है बहुत एक्साइटेड होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बीच में। ये बादाम और चांदी के वर्क डालने वाला सिस्टम जो होता है इस पर बहुत एहतमाम के साथ जो है ना यहाँ बैठ के मतलब बच्चे भी डालते हैं और हम लोग भी डालते हैं। तो माशाल्लाह से सब जो है इसमें अपना अपना हिस्सा डालते हैं और तैयारी मतलब करते हैं इसकी। यहाँ जो नाम इसका ख़त्म दे दिए रात के टाइम हम लोगों ने, ताकि सुबह सुबह ही जब ये नॉर्मल हो गई होगी, ठंडी हो गई होगी तो सबको बांट देंगे। तो माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, छोटा सा खीर का व्लॉग। तो